बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें अभिवादन करने पहुंचा जनसैलाब। ओखी तूफान की परवाह न करते हुए लाखों के तादाद में दादर चैत्य भूमि मुंबई में महाराष्ट्र तथा देश विदेश से लाखों अनुयायी पहुंचे। आज सुबह से ही लाखों लोगों की लंबी कतार चैत्य भूमि पर दर्शन के लिए उमड़ी। इसमें छोटे बालकों से लेके वयोवृद्ध नागरिक तक शामिल थे। इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी अस्थि कलश का दर्शन किया और इंदू मिल में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक बन रहा है उसका काम अगले माह से शुरू होगा ऐसा आश्वासन दिया। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर या भारताला एक असं संविधान दिलं की ज्या संविधानानं भारतातल्या प्रत्येक व्यक्तीला जगण्याचा अधिकार दिला, एक शक्तिशाली देश निर्माण केला आणि आज जगामध्ये भारताच्या प्रगतीकडे अत्यंत कौतुकाच्या नजरेनं पाहिलं जातं, याच्या पाठीमागे जर कोणी असेल तर ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं संविधान आहे। इस वक्त देश विदेश से लाखों की जनता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इन्हें अभिवादन करने पहुंची। गौरतलब है कि तीन दिन से मुंबई में लगातार बारिश हो रही थी, ओखी तूफान का खतरा भी मंडरा रहा था, लेकिन ओखी तूफान पर अम्बेडकरवादियों के तूफान ने मात कर दी और लाखों की संख्या में अनुयायी दादर चैत्य भूमि मुंबई पहुंचे।